कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं एरर्स इन चेन, यानी क्या क्या मिस्टेक होता है चेनिंग करते टाइम में। तो याद रखिएगा, एक हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इक्वल होता है आपका कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है, जिसमें डैश लगा हुआ है समझ लीजिए कि वो रॉन्ग है, गलत है। इसमें भी डैश है तो ये भी हमारा रॉन्ग है। ये क्या है, कैपिटल एल मतलब राइट है, सही है। ये क्या है आपका, कैपिटल एल मतलब राइट है। याद रखिएगा, राइट इंटू राइट इक्वल होना चाहिए रॉन्ग इंटू रॉन्ग। देखिएगा अब ये कैपिटल एल क्या होता है, कैपिटल एल कुछ और नहीं आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन होता है, जो हम चेन इस्तेमाल कर रहे हैं मेजर करने के लिए फील्ड में, उसका एक्चुअल लेंथ होता है कैपिटल एल। और ये हमारा गिवन होता है, 20 मीटर का चेन होता है हमारे पास या फिर 30 मीटर का होता है। चलिए अगर कैपिटल एल की बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल एल डैश की भी बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, या फिर इसको रॉन्ग लेंथ भी बोल सकते हैं, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। अब ये इनकरेक्ट कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, एक हमारे पास एक्चुअल लेंथ होता है, एक्चुअल चेन है हमारे पास 20 मीटर का, लेकिन अगर हमें सर्वे करना है, जैसे मेजरमेंट करना है फील्ड पे, अगर उस टाइम टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है किसी भी मटेरियल पे तो एक्सपेंड करता है, जब एक्सपेंड करेगा तो ये हमारा चेन होगा एक्चुअल लेंथ से इनक्रीज कर जाता है, तो इसीलिए यह हमारा इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन हो जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एल प्लस माइनस एरर, कितना एरर आया इसमें। प्लस कब हम लगाएंगे, जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा और एक्सपेंड कर जाएगा। माइनस कब यूज करेंगे, जब हमारा टेम्परेचर लो होगा, और हम जानते हैं जब टेम्परेचर लो होता है तो कोई भी मटेरियल श्रिंक कर जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। चलिए एल कैपिटल एल डैश क्लियर है आपका। बात करते हैं स्मॉल एल क्या होता है, स्मॉल एल आपका होता है करेक्ट डिस्टेंस मेजर्ड। और ये सब मीटर में होता है कि हमें कितना करेक्ट मेजर करना है, हमारा जो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये स्मॉल एल होता है और ये स्मॉल एल डैश क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट इनकरेक्ट डिस्टेंस मेजर। मीटर में हम जानते हैं कि अगर गलत लेंथ होगा चेन का, इनकरेक्ट लेंथ होगा, तो हमारा जो डिस्टेंस मेजर करेंगे फील्ड पे वो भी गलत होगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन हमें हमेशा फाइंड करने के लिए बोलता है एक्चुअल डिस्टेंस या फिर करेक्ट डिस्टेंस, हमेशा यही फाइंड करने के लिए बोलता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारा गिवन रहता है एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन 20 मीटर या फिर 30 मीटर का, ये होता है कैपिटल एल डैश इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। जैसे कि किसी कारण से हमारा चेन में इंक्रीज कर गया, उसका लेंथ इंक्रीज कर गया, या फिर किसी कारण से हमारा चेन का लेंथ डिक्रीज कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्चुअल लेंथ इंक्रीज करेगा तो प्लस एरर, मतलब कितना इंक्रीज किया। माइनस कब होगा, कैपिटल एल मतलब करेक्ट लेंथ ऑफ चेन माइनस, मतलब कितना हमारा जो एक्चुअल लेंथ कितना डिक्रीज किया, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एल डैश। और जाहिर सी बात है, अगर गलत चेन से मेजर करेंगे तो हमारा डिस्टेंस भी गलत आएगा। तो क्वेश्चन में हमारा ये गिवन होता है, क्वेश्चन में हमारा ये गिवन होता है और कैपिटल एल डैश गिवन होता है और स्मॉल एल डैश गिवन होता है। पूछता है हमें कि फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस या फिर फाइंड द करेक्ट डिस्टेंस, ये हमें क्वेश्चन में पूछता है। चलिए अगर हमें ये निकालना है तो हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, राइट इंटू राइट इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। यहाँ से इसको पुट कर दीजिए, कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। देखिएगा हमें क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से,
स्मॉल एल डैश मतलब करेक्ट डिस्टेंस, इसको फाइंड करने के लिए स्मॉल एल को यहाँ रख सकते हैं और कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश अपॉन कैपिटल एल। देखिए हमारा इसका भी वैल्यू गिवन होता है, इसका भी वैल्यू गिवन होता है, इसका भी वैल्यू गिवन होगा, तो हमारा क्या फाइनली निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, एक्चुअल डिस्टेंस मेजर या फिर करेक्ट डिस्टेंस हमें निकल जाएगा। Oh, 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 oh